दोबारा हमें अकेला छोड़कर वो जॉन अभी तक आया ही नहीं। मुझे लगता है कि वो प्रोटीन बार्स खा के कहीं सो रहा है। ओए थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा डांस पसंद किया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रभु देवा से आगे निकल जाऊंगा। नहीं नहीं सच्ची बात है, अभी सिग्नल पे था, मेरी गाड़ी उससे आगे निकल गई। थैंक यू। बातों में टाइम वेस्ट मत करो प्लीज जॉन, जल्दी हमें कॉमेडी सर्कस के प्रमोशन में जाना है। अरे कॉमेडी सर्कस की प्रमोशन में जाने की क्या जरूरत है? अरे लोगों को पता है फिल्म में जॉन है तो लोग देखने आएंगे ही आएंगे। तुम अपने आप को कॉमेडी सर्कस के जॉन समझते हो? चलो प्रमोशन करने। अरे क्यों इतना नाराज होते हैं यार आप लोग? आपको पता है इस शो का आई मी और मैं कृष्णा, अरे जॉन से बेटर प्रमोशन कर सकता हूँ मैं आपके फिल्म की? लो अभी कर देता हूँ। दोस्तों देखना मत भूलिएगा सैटरडे और संडे रात 8:30 बजे कॉमेडी सर्कस के अजूबे ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। इसमें हमारी प्रमोशन कहाँ से हुई? अरे लोग हमारा शो देखेंगे तो आपके फिल्म की प्रमोशन होगी ना, और वैसे भी इन लोगों की फिल्म तो हिट होने वाली। भैया यही दुआ करेंगे हम लोग, जोरदार तालियां आई मी और मैं के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा। एक बार ये दोनों खूबसूरत एक्ट्रेसेस प्राची देसाई और चित्रांगदा सिंह के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं। प्लीज जॉइन आवर जजेस एंड एंजॉय द शो। हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। आज हमारी तिकड़ियां धरेंगी कई सारे अजब गजब लुक्स हमारे फैंसी ड्रेस स्पेशल में। कॉमेडी के फैंसी ड्रेस शो में आ रहे हैं मंत्रा एस समुद्री डाकू, पूर्वी एस जलपरी एंड राजीव एस ए ट्रैवलर। ये लूटेला नहीं लूटेरा गाना होना चाहिए था। मैं हूँ वर्ल्ड फेमस समुद्री डाकू कैप्टन जैक स्पैरो। सस्ता नल्ला और देसी अवतार, मेरा नाम है कप्तान जय किशन चिड़िया। हाँ जैसे मेरा परदेसी भाई बाहर विदेश में जाकर फिरंगी पानी में लोगों को लूटता है, मैं माहिम की खाड़ी में लोगों को लूटता हूँ। चित्रांगना सिंह, चित्रांगना सिंह, अर्चना पूरन सिंह, कौन कहता है कि इस देश में शेरों की गिनती कम होते जा रही है। सिंह सिंह भरे पड़े। प्राची देसाई, हमारा डायरेक्टर निकुल देसाई, तुम प्राची देसाई, आप दोनों के बीच में कुछ भाई बहन वाला कुछ है? राखिया नहीं, देसाई देसाई भाई भाई। लेकिन मैं यहाँ पर खजाना लूटने आया हूँ, लूट के जाऊंगा। देखते हैं कहाँ है मेरा खजाना। कौन हो तुम अप्सरा? तूने मेरे को नहीं पहचाना? मैं महाराष्ट्र की नंबर वन जलपरी। अरे माहिम क्रिक में रहती है, सीलिंग के नीचे बैठती है, नाम है मेरा चिकनी चमेली। चिकनी चमेली समंदर में अकेली, कपड़ा चढ़ा के आई। जी भाई जी, साला ट्रेलर में एंजेलिना जोली और सामने आ गई पहन के देसी चोली। भैया से माहिम की सुखी झिंगी। क्या बोला? झिंगी। तुम्हारा शशी मुलगी ला इंसल्ट के लिए तुझा वाड़ा पावचा धाकचे धाकचे। ए तुझा आईचा कांदा भजिया। ए तुझा भाऊचा मिसळ पाव। तुझा भाईचा झुणका भाकर। तुझी आईचा लसणाचा ठेंचा। ये जितना भी बोला है उसका एक एक प्लेट लगा दे। सुन मेरे को ऐरा गेरा नथू घेरा मत समझ, जो कुछ अपने पास है मेरे हवाले कर दे। अरे बाबा जो कुछ मेरे पास है वो तेरे को फिट नहीं आएगा। अबे तो तेरे को कौन सा फिट आ रहा है? आजकल की बहु मछलियों को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है? अरे बाबा क्या बहु, अरे जमाना ही ऐसा है, आज का जमाना मुगले आजम का नहीं है, मर्डर का है। क्या मर्डर? हाँ, भीगे होठ तेरे, होठ ऊपर है, भीगे होठ तेरे। रिडिकुलस। कैसे बोलो ना, कौन मैं मछली है और मछली जल की रानी है। रानी रानी का नाम मत लिया कर, रानी का नाम लेते से ही मेरे अंदर का नाना पैदा हो जाता है। मेरा भी मन करता उसको बोलूं अय्या अय्या अय्या। पागल हो गई है, तलाश देखी 4 दिन तक चलती रही। अरे इतनी स्लो फिल्म थी, कछुए भी बोल रहे थे भैया बहुत स्लो फिल्म है बे। अरे देवा ये सब छोड़, मेरे को बता तू इधर काय को आया? मैं इधर खजाना लूटने को आया हूं। अरे तो फिर लूट ना। एक्सक्यूज मी, मैं खजाना लूटने आया हूं, चिल्लर नहीं। बचाओ बचाओ। अरे अरे देख तो, अरे वो डूब रहा है, वो राजीव मेहरा डूब रहा है। हर एक्ट में हमें भी डूबोने आ ही जाता है यार।
हम अपने पार्टनर को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, कहीं बच गया तो साले को ढूंढो के चलते। अबे इधर मिडिल में, इधर ऐसा ले तेरे को तो। ये क्या है, टायर के ऊपर ट्यूब चढ़ा के घूम रहा है, कौन है तू? Hey, I'm Jack. Yes. ये टायर, ये ट्यूब, तुम जैक, इंजन फंसा के ट्रक क्यों नहीं बन जाता साले? तुमने हमको पहचाना नहीं, हम जैक, आई एम फ्रॉम टाइटैनिक। उल्टा बोल, आई एम टाइटैनिक फ्रॉम जैक। साइंस देख के बात किया कर। अरे बाबा तू डूबा कैसे? इसको नहीं बताएगा, तुमको बताता है। बोलो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जहाज के डेक पर ऐसे खड़ा होकर गाना गा रहा था। ओ, गाना, अरे वो वर्ल्ड फेमस गाना मेरे को लाई आवड़ तो वो वाला ढगला लागली खड़ा पानी खेम खेम गाया ढगला लागली खड़ा खेम खेम। हो गया मराठी टाइटैनिक, मैं बंगाली सुनाऊंगा। যদি তো ডাক শুনে কেউ না তবে একলা চলো চলো রে। বাড়ি বরসি খটন গে আসি আটকে লে আন্ডা ও লো। प्लीज मुझको बचा सेमी। अरे तेरे को बचाने के लिए आऊं, मैं यहाँ खजाना लूटूंगा। खजाने का आधा नक्शा ही सिर्फ मेरे पास है। आधा ही है ना, एक सेकंड रुक, सामने देख। ये देख आधा अब छप गया, अब चेक करने दे नक्शा। हमको पता है खजाना इधर ही है। इतना कंफर्म कैसे बोल सकता है? हमने कहानियों में पढ़े अक्सर खजाने के ऊपर नागिन बैठता है। चलो इसको रिजाते। ए रुका, नागिन जूता पहनी। अबे इधर आ। सॉरी नागिन आंटी। खजाना मिल गया। अरे अरे बाबा एक मिनट, इतना तुम लोग एक्साइट हो रहे, खजाना खजाना। अरे भाई क्या है इस खजाने में? ये कॉमेडी सर्कस का गड़ा हुआ खजाना है अर्चना जी। सदियों सदियों से कॉमेडी सर्कस के न जाने कितने राज इस खजाने में छुपे बैठे। डर लग रहा है? देखे क्या है? ए, पंचभूता। वो लाइव नहीं हंस रही है, खजाने में से हंसी निकल के आ रही थी पगले। ये वो हंसी है जो अर्चना सबसे पहले सीजन के सबसे पहले एक्ट में सबसे पहले पंच पे हंसी थी, और वो पंच कपिल का नहीं था। वो वाला है। इसकी बात क्या है? किसी, अरे ये देख, ये देख। और ये शेर खान की स्क्रिप्ट रिटन बाय मेराबाई मेराबाई। वंडरफुल, अब तो बहाना नहीं चलेगा, अब तो बनानी पड़ेगी। ये दे मेरे को, ये दे। मैं देखता हूँ। अरे सबसे बड़ा खजाना देखो क्या मिला अर्चना जी। इसका बचपन का फोटो, वो भी बख्तावर सेठ के साथ। ये देखो, ये है। मानते नहीं थे, तेरे को बोल रहा था यही है सस्ता डेनी। सस्ता डेनी। बख्तावर सेठ कुत्ते की तरह मारेगा, कुत्ते की तरह मूंदेगा साला, कुत्ते की तरह मारेगा इसको मैं। साला अबे कुछ राज रहने दिया करो, छोड़ो अबे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। आगे देखो क्या। मेरी पार्टनर यानी कि पूर्वी जोशी की असली ताकत। चित्रांगना जी, प्राची जी, आप पहली बार आई हैं, मैं आपको इसके अंदर की छुपी टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये आपको एक नॉर्मल लाइन बताएगी, कुछ बोल के बता डायलॉग अपने एक्ट। अरे कैरेक्टर, अरे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। अब देखिए कैसे इसके अंदर आत्माएं आती है अलग अलग हीरोइनों की। सबसे पहले श्री देवी जी, शुरू हो जा। मछली जल की रानी है, जीवन उसको पानी है। हाथ लगाओ टूट जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। वेरी नाइस पोयम, आई लाइक वेरी मच। ये तो कुछ नहीं है, अब देखो इसके अंदर आत्मा घुसेगी टेमा जी की। टेमा जी यू के मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी 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 से याद आया, यू ओनली ड्रिंक रेन प्योरिफाइड वाटर। और
इसकी जान जिसके बिना इसका करियर अधूरा है। इनके अंदर आत्मा घुसेगी, पूजा हटगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, स्केड बाहर निकालो मर जाती है, डेड। अरे दोस्तों, इसके अंदर आखिरी आइटम तो मैंने देखा ही नहीं। क्या, क्या, क्या? ये वो है जिसका इंतजार पिछले 11 सीजन से कॉमेडी सर्कस का हर राइटर कर रहा है और जिसकी जरूरत हमारे एक्ट को इस वक्त सबसे ज्यादा है। काश उनको भी मिल जाए। आर्ची, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? जस्ट से थैंक यू। Prachi, how did you like this act? I watched this show and I love all of you. I think you guys are fantastic on this thank show, so really. Thank you, Prachi. Chitranga? You know, girls, I think, are not so open. Lekin jis tarah se aapne kiya, aur itna khulke with that whole Marathi Mulgi thing was just fantastic. Yeah, Jack Sparrow, you were so good. And the tube and the tire, superb. You were the crown, actually, on the two of them. Thank you. सुहेल, अब क्या बहाना बनाएंगे आप भाई? आपकी तो स्क्रिप्ट भी मिल गई हमको। कुछ नहीं, उनके वो तो एक्चुअली ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी से शेयर कर दिया दैट माय नेम इज नाउ देर खान इंस्टेड ऑफ शेर खान, सो ऑलरेडी हो चुका है। नो बट सीरियसली, हु हैज रिटन दिस? वंकुश अरोड़ा। इजी अराउंड, कैन वी हैव ऑन स्टेज वंकुश अरोड़ा प्लीज? ये है वंकुश अरोड़ा के लिए एक बार जोरदार तालियां। You know, आपकी ये टीम और आपका ये जो एक्ट है आज कंप्लीट नहीं होता टिल द राइटर इन कम अप ऑन स्टेज। मैं जब जो हमारी शेर खान की स्क्रिप्ट लिख रहे थे अब बने वी राइट, हम लोग एक दो घंटे की फिल्म में दो साल तक अटक जाते हैं एंड इट्स फैबुलस टू सी यू गाइस डू फोर एक्ट्स इन अ वीक विथ न्यू स्क्रिप्ट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स। द टैलेंट दैट इज ऑन कॉमेडी सर्कस कैन गिव एनी राइटर एंड एनी एक्टर कॉम्प्लेक्स। वो पिटारे में से ये निकलना चाहिए था। बट ऑफकोर्स सब अंकुश तो हमारे साथ लिखते रहते हैं, बट जिस डायरेक्टर के बारे में हम इतना कुछ बोल देते हैं, डेफिनेटली निकुल देसाई ने हमारे लिए इतना वो टाइम निकाल कर, अगर हमारा एक्ट 70-75 का रहता तो उसको 100 तक पहुंचाने का काम निकुल का रहता है। थैंक यू निकुल। आप अगर यहाँ पर 2 मिनट के लिए आ जाए और हमारे साथ अगर मिमिक्री के 2-3 5 हो जाए, कुछ फ्री देवी आप में हो जाए, कुछ हेमा जी आप में हो जाए, आइए आइए आइए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, योर ली ड्रिंक रैन प्योरिफाइड वाटर। That's good for you guys. Thank you so much. मालिक के जाने के बाद एक कुत्ते और मछली की दिल की बात लेकर कॉमेडी के फैंसी ड्रेस शो में आ रहे हैं सुदेश एज डॉगी, कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड सिद्धार्थ एज अ मछली। आपको पता है प्राची मैंने इस गाने पे डांस क्यों किया? क्या ना, फिल्म में मुझे इतना नचाया नहीं तो इसी शो में मैं अपनी भड़ास निकालता। मैं आपका प्रोनाउंस ही कर पा रहा हूँ नाम, चित्रांगना। आप तो गाली भी दे सकती हैं क्योंकि आप तो फिल्म में थी नहीं। और अर्चना जी, आप तो बिल्कुल अपनी भड़ास मत निकालिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जितना मिला था ना वो भी ज्यादा था, मैं कह रहा हूँ। प्राची, आपका एड देखा हमने डिटर्जेंट का, सलमान भाई के साथ, कितना बढ़िया एड, वैसे धुले हुए कपड़े ऐसे लटके हुए हैं और ये भाग रही है सलमान भाई पीछे पीछे ऐसा। वो सब तो ठीक है लेकिन ये कपड़े गंदे कहाँ हुए थे? नहीं, मेरा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हमको आप पे शक नहीं है लेकिन सलमान भाई पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। आपकी एक और फिल्म आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें इमरान हाशमी तो भाई आप लोग जानते हैं कि हमेशा, लेकिन जब जैसे ही आप लोगों का सीन आया ऐसा कैमरा पैन हो गया। नहीं, मेरा मतलब पैसे में उतना ही मिलेगा। नहीं, हमें आप पे कोई शक नहीं है लेकिन इमरान हाशमी पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। आप लोग अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं, आई मी और मैं, लेकिन जॉन को भी होना चाहिए था। मैं ऐसी बात नहीं, मेरे दोस्त हैं, उन्हें फोन लगाता हूँ। हेलो या हाय या कमान या कमान कमान या
कमान यार फोन तो उठाओ यार, कैसा आदमी फोन ही नहीं उठाता। उठा लिया उठा लिया। हाय जॉन। हे जॉन, कृष्णा बोल रहा हूँ। कहता कौन कृष्णा? हेलो, अरे कॉमेडी सर्कस वाला कृष्णा। कहता कौन कॉमेडी सर्कस? अभी बताता। हाँ वही शो जिसमें आपकी जो फिल्म आ रही ना लगान, उसके लिए कुरभूषण खरबंदा और ग्रेसिन सिंह प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। आप पहचाना कौन? क्या कहते? पांच पांच जज हो जाते थे उसमें। अरे ऐसी बात नहीं थी, एक एक्ट के बाद सोहेल भाई सो जाते, हम उनको उठा के कुर्सी बाहर रख देते। और अर्चना जी का छोड़ो, उनको तो हम जज मानते ही नहीं है, वो तो ऐसी आके यहाँ बैठ जाती हैं। कहती है जब स्पॉट दादा एंकरिंग कर सकता है तो मैं तो फिर भी वैनिटी दादा हूँ। क्या यार, क्या यार, आज सुबह सुबह का टाइम है। अर्चना जी मैं थोड़ा सा वेट लूज करना चाहता हूँ। सुबह 5 बजे उठ के भागो ना, बड़ा मजा आता है। मैं और पिंकू रोज सुबह 5 बजे उठते हैं। मैं भाग के वजन घटाता हूँ और ये कमोट पे। खैर सुबह सुबह अगर 5 बजे वॉक पे निकले तो आपको काफी कुछ क्रिएटिविटी दिखेगी। रस्तों पे बहुत बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, खास करके जुहू बीच पे बहुत क्रिएटिव लोग बैठे होते हैं लाइन से। एक दिन क्या हुआ, एक आदमी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा था। अर्चना जी नहीं। उसके बाजू में से पिग पिग फैमिली थी, डुक्कर। उसमें से बच्चा आया, माँ 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 मुझे भूख लगी। माँ बोलती है बेटा 2 मिनट रुक जा, 1 सीटी और बजने दे। खैर सुबह सुबह का वक्त है, अभी घर चलता हूँ मैं। वेयर इज माय डॉग यार, मेरा डॉग फ्रोडो। फ्रोडो पपी, मेरा पपी। कुत्ते रखने के 2 फायदे अर्चना जी। एक तो सुबह सुबह पड़ोसी का पेपर फ्री में पढ़ने को मिल जाता है, और दूसरा मालिक को खुद नहीं भौंकना पड़ता। क्या बकवास कर रहा है? अब पेपर में आज क्या क्या न्यूज आई है? अरे क्या बात है, जज और डायरेक्टर सोहेल खान अब अपनी अगली फिल्म मेंटल का प्रदर्शन करेंगे। अच्छा जी, सोहेल भाई ने आपको अपनी फिल्म में लिया, वो भी टाइटल रोल में, आपने हमें बताया नहीं। 80 साल की बुढ़िया को घर से निकाला, अब वो बुढ़िया कर रही है कहीं पर एंकरिंग। क्या क्या घटिया न्यूज आती रहती है यार पेपर में। फ्रोडो फ्रोडो वहां क्यों जा रहा है तू? वहां क्या मिलेगा तेरे को? मुझे मांस नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ हड्डी चाहिए। जब देखो खाने पीने की चीजें, ये और एक मेरी मछली अर्चना जी, मैं दोनों जानवरों से परेशान हो चुका हूं। स्लीपी फिश जब देखो सोती रहती। ये देखो, ये है मेरी मछली, सारा दिन सोती रहती है। मछलियों में सोहेल खान। ओह गॉड सोहेल, लगता है कुछ खाने को डालना पड़ेगा इन लोगों। थोड़ा बरा डालेगा थोड़ा सा। अरे यार, वेरी वेल डन फ्रोडो, टेक योर ब्रेड। मैं पंजा मारने, ये कैसे फेंक रहे? मैं कुत्ता हूँ, कृष्णा थोड़ी हूँ, बेइज्जती कर रहे मेरी। सारे कुत्ते के गेटअप में नहीं भी होता ना तो भी तू कुत्ता ही होता। वो तुम लोग का मालूम है मेरे को चक्कर? चिढ़ा रही है मेरे को। एक मिनट, तुम लोग का मालूम है साला, तुम दोनों का लफड़ा चल रहा है। हाँ जब देखो साला, खूंटा मैं बांध के रखूंगा तुम लोगों को, अब दोनों कभी भी मिल नहीं पाओगे साले। मैं जा रहा हूं 1 हफ्ते के लिए बाहर, और यही गंदी ब्रेड खाना तू, समझा? कहते यही गंदी ब्रेड खाना, एक दिन ऐसी जगह काटूंगा इसके दोनों पाव खींच लूंगा। फिश यू डार्लिंग, बोल गुत्रिया। एक बात कहूँ, मैं तुम्हें बड़ा प्यार करता हूँ, सच्ची। मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं, शुरू से बड़ा प्यार करता हूँ। साले कुत्ते होके मच्छी से प्यार करता है? फिर इसमें क्या है, परमीत इंसान होके लकड़ बग्गे से प्यार कर सकता तो हम नहीं कर सकते? ये क्या बात हुई? परेशान मत हो, तेरे को मेरी जैसी बहुत मिल जाएंगी। तेरे को कितनी मिल जाएंगी? मुझे बहुत मिली है, जो भी मिलती कुत्ती निकलती, क्या करें। देखो मैं प्यार करता हूँ फिश से,
सेल्फिश से प्यार नहीं करता, लड़कियां होती सेल्फिश है, सब सेल्फिश है। कौन है तू? साला ये भी कुत्ता होके बोलता भी है। कहता है बोलता बाहर देख कई कुत्ते लिख रहे हैं। कौन है तू? मैं चोर हूँ, चोर। तू काहे को बचाओ बचाओ कर रही है बे? चोर बोला है, मछुआरा थोड़ी बोला है। अच्छा ये बताओ, घर में कुछ कीमती सामान मिलेगा? कीमती सामान? हाँ कीमती सामान है तो सही, चार दिन के लिए मायके गई हुई मालकिन। अब बाद में अबे मैं मालकिन की बात नहीं कर रहा भाई, कुछ कुछ बढ़िया, कुछ पैसा सोना होना ये सब बताना है। नहीं नहीं, कंगालों का घर है भैया, मेरे को भी मॉल से चुरा के लाए हैं ये लोग। आपको पता नहीं दारू है तुम? दारू? हाँ हाँ दारू पिलवा यार। एक में दारू पड़ा इधर। हाँ इधर 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 ही कहीं मिल गई। देख लो कहीं दीपक दारू मिल गई। क्या बात है, एक पैक बना यार मेरे लिए। एक मेरे लिए भी। अलग कुत्ता होकर शराब पिएगा? तू शराब पी के कुत्ता हो सकता है तो हम कुत्ते होकर शराब नहीं पी सकते? कमाल का बंदा यार, देख दारू। एक्सक्यूज मी एक पैक मुझे भी देगी? एक पैक मेरे को थप्पड़ मार चाहे गाली दे उसको कुछ नहीं कहना, वो मेरी माशूक है। खैर यार मजा आ रहा यार, दारू के साथ थोड़ा नॉन वेज मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। नॉन वेज? सुनो, एक ना लड़की ना बेड पे सो रही होती है। नॉन वेज जोक नहीं है, खाने के लिए नॉन वेज बोल रहा हूँ मैं। एक लड़की बेड पे सो, खाने के लिए नॉन वेज कुछ है ही नहीं भैया, भक्तों का घर है यहाँ पे, कुछ नहीं है। मच्छी फ्राई? एक मिनट। हेलो, साला दारू के साथ मच्छी फ्राई मिल गया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता तू। इसके पास आने से पहले तुझे मेरी मिन्नतों से गुजरना पड़ेगा। अबे मिन्नत नहीं होती बे, लाश होता है लाश। नहीं पहले मिन्नतों पे ट्राई करते फिर लाश तो है ही। नहीं मैं तो ये मच्छी खा के रहूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसे शादी करने वाला हूँ। कैसे बदमाश है, चाकू भी नहीं रखा। चलो इसी से काट लेता, इसी से कॉल कट जाती है तो हाथ नहीं कटेगा। यू आर बी पॉजिटिव? ओके। क्या किया बे तूने? हो गई मेरी कुतिया। अब मैंने टीका लगा दिया है। अच्छा अब... बहुत अच्छा कि इसको टीका लगा दिया, अब मैं फिश टीका खाऊंगा। प्राची लेट्स स्टार्ट विद यू। ओह माय गॉड, आई थिंक जितना भी बोलो उतना कम होगा। सुदेश कृष्णा रियली आई थिंक आप लोगों ने शो की पहचान और बढ़ा दी है। यू गाइस आर फैंटास्टिक। और आपके लिए सोने पे सुहागा एक और, वो जो आप विगल कर रहे थे पूरा। So cute. You guys are fabulous. Thank you, Prachi. Chitranga. I just want to say, मुझे लगता है कि being funny is like the most difficult thing. You guys are amazing. और जब आप इनका जो भी कर रहे थे, हमको सच में वहाँ बैठ के इतना बुरा लग रहा था कि हमारी बेचारी मछली अब पता नहीं क्या होगा उसके साथ. But it was amazing. Thank you so much for having us here today. Thanks. Thank you, Chitranga. Thank you, Prachi. Please. Siddharth, I'll start with you. आपने जब वो क्या कर रहे थे आप मुंह के साथ, इट वॉज सो इफेक्टिव और बहुत मुश्किल है। यू आर एन एक्टर पार एक्सलेंस, अमेजिंग। डॉगी बहुत क्यूट लगते हैं मुझे डॉगी, लेकिन इतना क्यूट कभी कोई डॉगी नहीं लगा। कृष्णा यू आर जस्ट फैबुलस। दिस एंटायर टीम डिजर्व्स आई डोंट नो व्हाट एल्स बट दिस डेफिनेटली डज। थैंक यू। सुहेल मैं चाहता था कि आप बिगनिंग से मैं आपको 10 नंबर दे दूं, बिकॉज वहाँ से आप कितना भी गिरोगे तो 10 नंबर तक ही गिरोगे। सिद्धार्थ स्पेशली फॉर यू बिकॉज यू आर न्यू टैलेंट। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम आवर जजेस एंड आवर गेस्ट। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। सुहेल आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स? अभी इतना कुछ बोलने के बाद अगर ये नहीं दिया तो फिर झूठे गिरा देंगे। करने
अपनी माँ का सपना साकार लेकर हंसी का भंडार कॉमेडी के फैंसी ड्रेस शो में आ रहे हैं भारती एंड किकू एज जोकर्स एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। मैं वो बुढ़ी औरत हूँ जिसका पति उसको छोड़ के चला गया और बाजू में ये दो जोकर बच्चे छोड़ के चला गया। ये इतने कलरफुल क्यों है मालूम है? क्योंकि मेरा पति बड़ा रंगील मिजाज का था। Hi friends, my name is Shakhar and my name is Suman. Okay, दोनों बच्चे के नाम मैंने उनके बाप पे रखे। गपुची गपुची गम गम करके ऐसे कम कम हाइट वाले बच्चे पैदा हो गए। लेकिन माँ ये दोनों लड़कियाँ है कौन? अरे प्राची और ये चित्रांगदा है। आई मी और मैं नाम की फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं। दैट सेल्फिश कही की खुद के लिए ही मूवी बना दी। आई मैं और मुमानी। हाँ भाई, लेकिन इसका सीक्वल अब हम बनाएंगे। हम, अस एंड एवरीबॉडी। अच्छा, तो उसके बाद फिर थर्ड सीक्वेंस भी बनाएंगे। तू, तेरी माँ, तेरी बहन। एक मिनट झगड़ा मत करो, चित्रांगदा देख रही है। ओ माँ, माँ ये कितनी खूबसूरत है ना। पता नहीं क्यों बाहर खड़े हुए लोग कह रहे हैं चित्र गंदा चित्र गंदा, ये चित्र तो कितना अच्छा है। ए, ए, सुमन सुमन, अरे वो तो टका टक है, उसके बाजू वाली काली वाली, वो तो तीन बार टका टक टका टक टका टक टका टक है। टीवी इंडस्ट्री की दो ही लड़कियां कामयाब हुई है, पहली प्राची देसाई सीधा सीरियल से फिल्मों में और दूसरी रश्मि देसाई वो भी सीधा सीरियल से मोबाइल में। ए सोहेल भाई, भेजू क्या? अरे इससे क्या सर मार रहे हो? बेचारी का कल बर्थडे था, उसके डांस का क्लिप है, पता नहीं ये भी क्या क्या सोचते रहते हैं। ऐसी बातें मत करो, अभी गौर से एक बात सुनो। अभी मेरी उम्र हो गई है, मैंने छगन सर्कस वाले से बात की है। माँ, तुम इस उम्र में फिर से शादी करोगी? अबे तुम्हारे नौकरी की बात की है। माँ बेटा, अभी मेरे दवाई खाने का टाइम हो गया है, तुम नौकरी पे जाना। टाटा बेटा, टाटा टाटा टाटा। बाय माँ। सुमन। हाँ 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 शेखर। मेरे को बहुत बुरा लगता है माँ, इतना खांसती है, इतनी बीमार है। सुनना, माँ का सपना है कि हम सर्कस में काम करें और लोगों को खूब हंसाएं। तो सुमन, हंसाने की प्रैक्टिस करें फिर। हाँ चलो, हो जाए, हो जाए। जिस जगह पे मारा है अब ये दिल देने का कोई फायदा नहीं है।
के क्या क्या फायदे होते हैं मुझसे पूछो। हाँ? अभी बताता हूँ तेरे को। ये देख, ये है अपना भाई जो चिल चिल जो चिल, और ये अपनी बुढ़ी बुढ़ी एंकर श्रुति, तड़पते रहते एक दूसरे को देखते हुए दूर से। जैसे ही पैकअप होता है, सुहेल धीरे धीरे आता है। बुढ़ी श्रुति को आग लगी होती है चिपकने की। दोनों ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे बेचारे को मसाज दिए। What the duck is this? कितनी बार का देख कर बैठा गया, चुप गया ना डंडा। निकालू एक मिनट। ए, क्या चल रहा है उधर? वो आ गया, वो आ गया। कौन? रिंग मास्टर। हेलो एवरीबॉडी, जोरदार तालियां मेरे लिए। मैं हूँ छगन सर्कस वाला रिंग मास्टर। ये मेरा सर्कस है और इस सर्कस का मैं हूँ रिंगम। आज मेरा सबसे पहला शो है, हाउसफुल है, लेकिन कोई आर्टिस्ट यहाँ काम करने को तैयार नहीं। ऊपर से वो दोनों जोकर किधर गए? उसकी माँ मेरे पास आई थी, मेरे बच्चों को काम दे दो, साले दोनों मिल जाए ऐसे लाफे मारूंगा उनको। आ गए कमीनो। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नमस्ते, इतना लेट? तुमको मालूम है मेरा क्या वांदा चल रहा है? अरे आज मेरा पहला शो है, वो बप्पी था बोल रहे, मैं सून लगा के ऐसे हाथी जैसा खड़ा नहीं रह सकता। अरे वो डेविड बोवन बोलता है मैं ऐसे पीछे चाबी लगा के ऐसा नहीं कर सकता। अरे फिर मेरा सर्कस सुपर हिट कैसे होगा? सर सर आप चिंता ना कीजिए, और भी कई आइडिया होते हैं सर्कस हिट करने के। आइडिया? जैसे कि एक शरीफ सा आदमी पकड़ो जिसके पास भर भर के पैसा हो। हाँ। फिर उसका सारा पैसा भर भर के ले लो और मर्ड आइलैंड में अपना एक बंगलो बना लो बहुत बड़ा, और फिर उसी की बेस्ती पे मुंह फाड़ फाड़ के हंसो। माइंड ब्लोइंग, क्या पंच था, यू नो, जो विपुल की बेस्ती का पंच था, आई लाइक इट। उसी के लिए देती मैं 1000 रुपया। और फिर और क्या, और क्या? और फिर उसके रोंदू मुंह वाला एक भांजा ले लो जो गंजे होने का विक पहनता हो, ताकि शो को कंटेंट मिलता रहे। फिर क्या? फिर सर पंजाब की तरफ अपना मुंह करो और चिल्लाओ, हंसाने वाले भांड चाहिए। 3-4 हजार लोग आ जाएंगे सर। हाँ। उनमें से कोई भी 4 चूज कर लो, जिसमें से एक बुढ़ा हो सुदेश, एक विनर कपिल, एक मोटी अर्चना भारती, और एक ऐसा आदमी जिसकी कितनी भी बेइज्जती कर लो लेकिन उसे बेइज्जती महसूस ही ना हो, ठाकुर। यार कोई मराठी का नहीं लोगे क्या तुम लोग? नहीं नहीं, मराठी का भी लेंगे ना। हाँ। सर बस मराठी का एक स्पॉट बॉय ले लो और झूठ मूठ लोगों से कह दो हीरो है, हीरो है, हीरो है। अभी शो शुरू होने वाला है, मैं जाके अनाउंसमेंट करता हूँ। अच्छा शो करना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी। मैं जाता हूँ अच्छे से शो ये करने। ए, सुमन। हाँ शेखर। कितना बड़ा दिन है आज हमारे लिए। हाँ। हमारी माँ का तो सपना था कि हम सर्कस में बहुत बड़ा शो करें। हाँ। और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। हाँ। सुमन चल माँ को फोन लगाए। हाँ। और आशीर्वाद ले। हाँ, करना करना, फोन करना। हेलो माँ, आंटी आंटी हमारी माँ से बात करा दो, आज हमारा सर्कस में बहुत बड़ा शो है, हमें माँ का आशीर्वाद चाहिए। हाँ हाँ? क्या हुआ आंटी, बात नहीं करा रही? मां चली गई। लेकिन क्यों, हम इतना बुरा कर रहे हैं? मां दुनिया छोड़ के चली गई। Thank you.
तो दिल थाम के बैठे भाई बहनों, आ रहे मेरे सर्कस के सुपरस्टार शेखर और सुमन। चकरना चकरना। थैंक यू, हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमें रोज ताकतवर बनने के लिए दूध देती है, बहुत अच्छी है थी, अच्छी है माँ। आज भी मेरी माँ ने मुझे दूध दिया है पीने के लिए, ये देखो। ओ वाव, इतना स्वाद होता है ना मम्मा के हाथ का दूध कि मैं आपको क्या बताऊं। तू बस बातें कर, पी मैं लेता हूँ। सारा दूध। एक मिनट मोटे, अभी तेरे मुंह से निकालता हूँ दूध। निकाल दूध। छी, ये तो कल का है। अरे मलाई निकाल। बलून बलून। बिकॉज मुझे कुछ चीज महसूस होने लगी, विच आई स्टार्ट फीलिंग दैट it's unbelievable. No, it's seriously. Really like you have no words. It's and maa ka jo shabd hota hai, it is something that fortunately maine apni zindagi mein kisi ko khoya nahi hai, lekin agar kisi ko khota ya kho jaye to main jail nahi paunga. Aur main yahi chahta hu ki जो हमारे जो कभी कभी जो इनसेंसिटिव जर्नलिस्ट होते हैं उनको ये सोचना चाहिए, क्या कभी कभी क्या डॉक्टर के घर में ही मौत हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता अपने लव वंस को बचाने के लिए. और ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, ये आते हैं आपको हंसाते हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट एपिसोड. और मुझे खुशी है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम. एक रिक्वेस्ट है कि जिसकी वजह से हम हंसते हंसते रोए हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी यहाँ पे आकर गालियाँ सुननी पड़े हमारे साथ ही. कॉल हर्ष. अनअज्यूमिंग हमारे जो राइटर्स हैं, आप उनको देखिए, अनअज्यूमिंग लगते हैं. यहाँ आगे वाली सीटों पर बैठते हैं, लेकिन जो इनका दिमाग चलता है, जो ये अपनी इससे लिखते कलम से, वो चाकू और छुरी की धार से भी तेज़ लिखते हैं. आप इतना अच्छा ह्यूमर साल दर साल आप लोग हमें देते रहते हैं. इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. थैंक यू सर, थैंक यू सर. बहुत सारे नंबर कटने वाले अभी आपके. तो इतने सारे मार्क्स कटने के बाद ही हम आपको मार्क्स देंगे. देखिए, जब कट कुटा के 50 देने वाले थे, लेकिन हम यही दे रहे हैं. आ रही है हमारी गेस्ट सिकड़ी, राजीव एज अ गुलाब, परेश एज बॉयफ्रेंड एंड सुगंधा एज अ गर्लफ्रेंड. हेलो प्राची. चलेगा चित्रहार जी. आपने इतना मुश्किल नाम क्यों रखा? इससे अच्छा रंगोली रख लेते, आने तो उसमें भी गाने थे. आपका नाम इतना मुश्किल है ना, पहली बार तो कोई भी ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाया होगा आज तक जिंदगी में. सोहेल भाई आपसे हुआ? नहीं नहीं हुआ ना. आप इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, हिंदी वाला नाम. मेरी ड्रेस से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाऊं. गुलाब. गुलाब. और पता है कि ये ड्रेस पहन के आपको मैं फूल लग रहा हूँ? मुझे पता क्या लग रहा है, जैसे किसी ने नीचे पंखा चला दिया और मैं ना जो जीता हुआ सिकंदर की पूजा बेदी समझ रहा हूँ अपने आप को. कैसी ड्रेस बना के देखी मुझे. आज मैं फूल बना हूँ, आप यहाँ तक आए ना आए, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तोड़ने के लिए तो जरूर पहुँच जाए. इतने अच्छे कपड़े पहन के बाग में पैसे मांगते अच्छे नहीं लगते भाई. मैं चुप कर. रश्मि. रमीश. रश्मि. रमीश. रश्मि. रमीश. एक मिनट देख लो, अभी यहाँ से निकल के बोलेगा, हाँ कितना हसीन मौसम है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, आओ डार्लिंग रोमांस करें. जानो कितना हसीन मौसम है रे, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं रे, आओ डार्लिंग रोमांस करें. अभी नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे खुश करो, पहले मेरे लिए कोई गिफ्ट लाओ, गिफ्ट लाओ. तुम्हें खुश करने के लिए मेरे पास फूल है रे.
sweet. How cute. How romantic. Romantic. ए, खबरदार मुझे तोड़ने की कोशिश की तो. अबे तुझे नहीं तोड़ूंगा तो उसका दिल नहीं टूट जाएगा रे. अरे ये गुलाब के फूलों को कांटे क्यों होते हैं रे? बस हर फूल को बचाने के लिए एक कांटा होता है. उसी तरह अर्चना जी, सामने कोई भी शो आ जाए, हमारे शो को बचाने के लिए एक गांडा होता है. जानू, ये लो गुलाब, ये लो गुलाब. जानू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि मुझे तो गुलाब से एलर्जी है, एलर्जी है. ओ, सिर्फ तुम्हें नहीं, यहाँ पर जितने भी हैं सभी को इस गुलाब से एलर्जी है, एलर्जी है. भाई फूल दो और बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जानू, ये लो रिंग. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिंग? अबे साले तू स्टैंड अप है तो क्या हर बार तेरी लाइन बोलेंगे? अबे हम भी तो इम्प्रॉम्प्टू एक्टर हैं. जानू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ. तो आओ सुहागरात मनाएं. सुहागरात से याद आया, आपने भी एक फिल्म की थी ना, इन कार. जैसी फिल्म थी उसका नाम इन कार नहीं, इन टब होना चाहिए था. जानू, हाँ, इस दिन का हमने कब से इंतजार किया था और आज ही शुभ घड़ी आ ही गई, आ ही गई. जानू, ये लो गुलाब, आओ हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करें. हाँ हाँ, सब शुरुआत करने के लिए गुलाब को ही इस्तेमाल करो. बस अभी फूलों को मसल के यहाँ पर फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन, और फिर ये हो जाएंगे फूल के कुप्पा, एक मम्मी और एक पप्पा. हेलो, क्या भोपाल वाले सीनियर दादाजी नहीं रहे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता. अब हम स्वागत कैसे मनाएंगे? स्वागत कहाँ से आ गई? दादाजी थोड़ी आने वाले थे हमारी स्वागत पे. जानू, इस वक्त हमें कहीं गुलाब नहीं मिलेगा, क्यों ना इसी गुलाब को हम लाश पे चढ़ा दें? ज्यादा मत बोलो, फूल चढ़ाओ और जल्दी से निकलो. मुझे मत चढ़ाओ, मुझे मत चढ़ाओ, मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी जान है. ऐसी ट्रेजेडी तो हमारे फूलों की जिंदगी में आती रहती. डर फिल्म में शाहरुख खान के हाथ में मेरा छोटा भाई आया था. शी लव्स मी नो. उसकी तो प्यार उसे मिला नहीं, मेरा भाई नंगा होके घूम रहा था. मैं तो फूल हूँ, कभी महंगा कभी सस्ता. मैं तो फूल हूँ, कभी महंगा कभी सस्ता. कभी मौत की सजावट का सामान हूँ और कभी जन्मदिन का गुलदस्ता. प्लीज़, हम चाहते हैं कि इस फूल के लिए अगर आप यहाँ पर आ जाएं दो मिनट के लिए. मैडम, बड़ी मुश्किल से खूबसूरत लड़कियाँ हमें मिलती हैं देखने को. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. लव द एक्ट, थैंक यू सो मच, हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. थैंक यू चित्रंगदा. प्राची, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? इन्होंने एंड में एक्चुअली बिल्कुल धमाका कर दिया. Absolutely superb on stage today. Thank you, Prachi. Thank you so much for being so nice. Very entertaining act. Thank you, Archie. Sohail. You know, isko kehte hai actual nautanki. Fabulous. And Paresh, I'm a big fan. Thank you so much. Sugandha, बहुत अच्छी mimicry artist भी हैं, पर वो पूरा एक्ट तो नहीं कर पाएंगी. But we'll make her do a little bit. आप जरा कंगना के style में एक बार हमारी जो guest है उन्हें thank you बोल दीजिए आने के लिए. Welcome, good evening, everybody. I'm Tangna Dadavat. And what is your name? Tatrangna. Yeah. Have you. Okay. I just wish for both of y'all for your movie, for your upcoming movie. Vaise to, I don't remember because I have lots of movies, but still, I will wish for you because what's the name of your movie? I, Me, and. Or Meh. Nice name. Me, my, myself, you know me, I'm the best. Yeah. So I, me and myself, good luck for your movie. And get lost from here. Yeah, what are you doing? चित्रांगना और बेटी प्राची, तुम्हारी फिल्म देखने को आए ना आए, पर मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे. हमने किया है
और प्राची जी मैं यही विश करती हूँ कि आपकी फिल्म तेरे नाम से भी ज्यादा चले। ऑल द बेस्ट। प्लीज वेलकम कॉमेडी के फैंसी ड्रेस शो में कपिल एज दरोगा, श्वेता एज हिज वाइफ एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो प्राची, हाउ आर यू? हाय, वेरी गुड। मुझे पता है आप लोग फिल्म की प्रमोशन करने आई हैं, am I right? एक बात बताइए, आपकी फिल्म का डायरेक्टर कौन है? वो शेर खान के हीरो, वो कपिल शर्मा नहीं, दूसरे कपिल शर्मा। नाम पूछा है मैंने। कपिल शर्मा। शो ऑफ नहीं करते सर जी, करना हमें भी आता है सब कुछ, हम तो बताते नहीं किसी को। बाकी जॉन नहीं आया? जॉन, अच्छा हुआ। जॉन के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रगल किया है उस बंदे ने। हीरो आने से पहले अमर जूस सेंटर पे वो एज ए जूस मशीन काम करते थे, वही आते पड़ी हुई अभी भी देख लो, यूं करके यहाँ संतरे लगा के चल के आते हैं। बट हाउ आर यू चित्रांगदा? बड़ा यूनिक नेम है आपका, पूरी दुनिया में ऐसा नाम मैंने कभी सुना नहीं। आपको पता है चित्रांगदा ने एक ही साल में मम्मी कहना सीख लिया था, लेकिन मम्मी को चित्रांगदा कहने में 5 साल लगे। हेलो हेलो, या कमिश्नर साहब, हाँ जी, हाँ शमशेर बोल रहा हूँ। अरे शमशेर को फोन किया, शमशेर ही बोलेगा? हाँ जी, क्या रामगढ़ जाना है? ठीक है सर, आप चिंता ना करें, मैं अपनी जान हथेली पे रख के अपनी लाश वापस लाऊंगा। ठीक है सर, मैं तैयार हो जाऊं, मुझे रामगढ़ जाना पड़ेगा। वो बंदा नहीं अपना ठाकुर एटीट्यूड वाला, उसको दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करो जवाब नहीं देता, उसने मुझे बुलाया है, कोई डाकू वाकू पड़ना, मैं तैयार हो जाऊं। करीना मेरी वाइफ है, करीना। कितनी बार कहा मुझे स्वामी स्वामी मत कहा करो, एक बार दारू पी के फ्री का डोसा खाने के चक्कर में शादी क्या कर ली इससे, मेरा दिमाग खराब करके रखा है। जब देखो स्वामी स्वामी स्वामी, ऊपर से बच्चे ऐसे डबल कलर के पैदा किए ना इसने, क्या बताऊं आपको। सर नारियल की चटनी के इतने शौकीन है, जहां देखो नारियल की चटनी लगा के घूमते रहते हैं बच्चे, लगता ही नहीं मेरे को, ऐसा लगता है घर में समोसे घूम रहे हैं, तिकोने मुंह वाले समोसे। इतनी प्रॉब्लम है मैं आपको क्या बताऊं इनके, मैं ससुराल में चला जाऊं ना अपने, समझ में नहीं आता मेरे को क्या करूं, सब एक ही जैसी लुंगी पहन के घूमते रहते हैं, पता नहीं चलता कौन सास है कौन ससुर कौन साला। एक बार तो इसके मायके में शादी थी किसी की, मैं चला गया सूट बूट पहन के टक्सीडो पहन के, इसका भाई लुंगी पहन के घूम रहा है, उल्टा मेरे को डांट रहा है, कहते तो जीजा जी आप तैयार नहीं हो गया क्या, हो रहा है पागल लोग करके, पागल करके रखा मेरे को। आयो स्वामी थोड़ा चुप करो, मैंने तुम्हारे लिए चटनी बनाई। चटनी भी नहीं, कभी पराठे ना बनाना मेथी वाले, जब देखो चटनी इडली बड़ा सांबर, जब देखो यही चीजें। ये साउथ वालों ने तो पकौड़े बनाने आते नहीं, इनको एक ही पकौड़ा जिंदगी में बनाया है इन्होंने साउथ वालों ने, विवड़ा करके, उसमें भी उंगली करने से बाज नहीं आए। क्या वो मिंदू बड़ा उंगली करके रख दी, छेद कर दिया उसमें भी, जब भी उसको खाओ चटनी लीक करती रहती है। उसका नाम मेंदू बड़ा नहीं, उसका नाम छेंदू बड़ा होना चाहिए था, इतनी प्रॉब्लम होती है। अरे स्वामी ये बिल्कुल भी राइट नहीं है, आप हमारे कल्चर का कितना मजाक उड़ाते। क्या मैं कभी बोली कि तुम पंजाबी लोग शराब पी के कैसा हंगामा करते? क्या क्या हंगामा हो रहा है, क्या हंगामा रहा है, चुपचाप बैठी तो है ना, कुछ किया उसने, क्या हंगामा रहा है? सुनो मुझे रामगढ़ जाना है। अयो रामगढ़? पर स्वामी तुम हमको प्रॉमिस किया कि शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को पता चल गया तू आने वाली है, ऑस्ट्रेलिया को ताला लगा के रशिया निकल गए हो, ऑस्ट्रेलिया सारा खाली पड़ा है, चल हट जा, मुझे रामगढ़ जाने दे, मुझे रब्बर सिंह को पकड़ना है। अयो स्वामी रब्बर सिंह को पकड़ने को जाता है, रब्बर सिंह डाकू को पकड़ने को जाता है। अयो राम पापा, अबे सुन ले मेरी बात, ए ओ सफेद लूंगी बात सुन मेरी, अबे अभी थोड़ी ना गया, मारा थोड़ी मेरे को उसने, दो दिन बाद वाला डायलॉग अभी से बोल रही है। स्वामी तुम संभल के जाना, और मेरे को ज्यादा मिस नहीं करना। नहीं नहीं कभी नहीं। एक और बात मेरे को बोलने का है। क्या? मुत्त कोड़ी कवाड़ी। तेरा बाप होगा कुमारी, चल हट, निकल यहां से, चल मुत्त कोड़ी कवाड़ी, मकर दे कर दे कर दे, क्या क्या बोलती रहती है। मैंने कहा था ना बड़ा एटीट्यूड, कोई जवाब नहीं देगा। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मुझे रबर चाहिए। तो दुकान से ले लेते, मेरे को क्यों बुलाया 200 किलोमीटर दूर? अरे मिठाने वाला रबर नहीं, डाकू रबर सिंह। अच्छा मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गलत तो करेगा, ये औरतों की नाइटी पहन के घूमोगे तब ये क्यों, ये मैक्सिक्यू पहन के घूम रहे हैं आप? मैंने जानबूझकर नहीं पहनी है, ये वहाँ ऊपर सूख रही थी, मैं जाकर नीचे खड़ा हो गया, तभी रामलाल ने क्लिप निकाल दी, ये ऊपर से मेरी बॉडी पे आके लटक गई। तब से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। इसी तरीके से पहनते हो तो चड्डी पहननी हो तो टांगे ऊपर करके रहते हो। अरे एक बार बताइए ठाकुर साहब, पहली बार मैं रामगढ़ आया हूँ, ना कोई चाय ना पानी, व्हाट इज दिस? भाई तुम्हें चाय पानी के लिए जरूर पूछता,
लेकिन रामलाल अब यहाँ काम नहीं करता। रामलाल काम छोड़ गया? 2-3 महीने पहले मेरा पेट क्या खराब हुआ, कमबख्त नौकरी छोड़ के चला गया। ओ, तो इसका मतलब आजकल जमीन पे घिसाई होती है। अकाउंट बंद करो, जल्दी से जाकर रबर को पकड़ो। ठीक है, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं रबर को जिंदा पकड़ के लाऊं, और अगर मैं 2 दिन तक वापस नहीं आया तो मेरे घर पे फोन करके बता देना मेरी डेथ हो गई है। ओके, ठीक है। हाँ तो मैं आ गया जो कल रुमाल आपका। जाओ, इससे कोई कॉमेडी नहीं होती फालतू में। आपको एक बात बतानी थी। हाँ। मेरी माँ ठीक नहीं है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सही टाइम पे फोन किया माँ। आजकल माँ की तबीयत के बारे में सुन के 10-10 नंबर मिल रहे हैं। हाँ माँ, बाकी सब ठीक है मम्मी। हाँ, 2 हीरोइन आई है, एक का तो घुटना भी नजर आ रहा है, बड़ी सुंदर है। हाँ जी मम्मी, ठीक है माँ, ठीक है। ओ रबर को तो मैं पकड़ के ही छोड़ूंगा। तबलक 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 तबलक। अरे सांबा। सांबा नहीं है, पूरी फिल्म में एक ही डायलॉग है, पूरे 50,000। अब 3 शब्द बुलाने के लिए आर्टिस्ट में खर्चा करें हम लोग, कोई सांबा नहीं इधर। अच्छा करियो अर्चना, बता तो जरा ये सरकार हम पर कितना इनाम रखे। इनको पता चल गया था सरकार ने आप पे इनाम रखा है, तो जहां पे इनाम रखा था वहां से लेके भाग गई, अब इनके पास रखा हुआ है। बकवास बंद कर, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर के आगे ही DDLJ है। डर के आगे DDLJ नहीं, डर के आगे जीत है, जीत। तेरे को क्या पता 2 कौड़ी के डाकू, तेरे को ना तेरे पास टीवी ना रेडियो, तुझे क्या पता कौन सी फिल्म कब आगे कब निकल गई। अबे जीत बहुत बाद में आई थी, पहले DDLJ आई थी। और एक बार बताओ कहां तुम्हारे सब कालिया छोलिया डर के भागे क्या? बकवास बंद कर, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बांध दूंगा मैं तुझे। ए, आ जा। मेरे बांध रहा है? ओ माय गॉड, मुझे बांध दिया। मुझे बांध दिया। अब अर्चना कहेगी कपिल तुम और अच्छा कर सकते थे लेकिन तुम्हारे हाथ बंद गए थे। फिर तेरा मुंह तोड़ूंगा साले। ये हाथ हमका दे दे शमशेर। ले ले हाथ मेरे साले, सबके हाथ ले ले। ये ले ले सुरेंद्र के, श्रुति के, ले ले सबके हाथ। ऑक्टोपस बन जा साले, हाथ चाहिए तेरे को सारे। खबरदार मेरे स्वामी को हाथ नहीं लगाना। अच्छा, कालिए को लड़की वाली ड्रेस में भेज दिया है। तुम्हारी बीवी, ये देखो। पत्नी तुम यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वामी मेरे को मालूम था कि तुम बहुत बहादुर, तुम इतना बहादुर कि ये रबर तुमको जरूर बांधेगा, इसलिए मैं तुमको बचाने को आई। इससे शादी की तूने? साले हाथ काट दो, हाथ काट, शादी वाली बात याद मत दिला मेरे को, काट मार मेरे को। खबरदार, मेरे स्वामी को हाथ लगाया तो तेरे को मालूम नहीं है, मैं तेरे को ऐसे नारियल काट काट के तेरे को भिड़ा दूंगी चट्टी में, तेरे को सांभर बना के सवार करके खा जाओगी, तेरे को पता भी नहीं है। खबरदार, लुंगी नहीं जगह क्या कर रही है तू? इससे अच्छा मुझे गोली मर जाए, या लुंगी ऊपर करके घुटने दिखा रही लोगों को। ए, गोली मार तू, गोली मार। क्या तू अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को मरवा देगा? हाँ? तो ये कौन सी चित्रांगदा कली और हर मार्स को, गोली मार इसको, गोली मार इसको। अयो राम बाबा, नाने नानी कर दे तू। अयो राम, अयो नारा गंड टल्ला पो तमिला कौन से गाओ गाओ। अयो नार कम तक रही इल्लोड मने मप्पा पड़ी इधर राइट लेके लेफ्ट लेके चांडी काट। अयो तुम हमारा लक्ष्मी बहिना, रबरुवन्ना लक्ष्मी बहिना, रबरुवन्ना लक्ष्मी बहिना, रबरुवन्ना। ये क्या रबड़ी गुलाब जामुन, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये? अयो स्वामी। हाँ? ये मेरा कजिन रबरु अन्ना है। तो इस साले को बोल जीजू को छोड़ दे। अयो अन्ना, ये मेरा स्वामी, इसको छोड़ दो, इसको नहीं मारो। ठीक है भाईना, अगर तू बोलती है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अयो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने देर बाद भाई बहन मिलो, राखी बांधो भाई को। राखी? अयो मेरे को क्या पता था मेरा अन्ना इधर मिल जाएगा मेरे को, मैं राखी लेकर नहीं आई। ये भी तो राखी है, इससे बांध लो भाई, ये प्यार की डोरी होती है, प्यार होता है ये, तो राखी क्या है, प्रेम का बंधन है, धागे से बांधो, दोनों हाथों बांधो, भाई है तुम्हारा, भाई है तुम्हारा। आगे बांधी राखी, इधर आओ भैया, चल बड़ा बनता था साले गड़बर, अब देखता हूँ तेरे को कौन बचाता है। गोली मारूंगा तेरी टांग में। क्या मैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा अन्ना है, इसको नहीं मारो। तो कोई बात नहीं, एक सेकंड। That was amazing. ये तूने बहुत गलत किया।
मैं आराम से दोनों के दोनों मर गए। अभी भी इसमें 3 गोलियां बाकी हैं। लेकिन स्वामी क्या उधर 4 लोग हैं। इसमें भी गोलियां 4 ही हैं। मुझे पता था तू एक से मरेगी नहीं। अब बची 3। कहती थी सामने बंदे 4 हैं। बेवकूफ औरत, एक ने मेरी फिल्म नहीं बनानी। बाकी 3 अब अपने आप नंबर निकालो, नहीं तो गोली कभी भी चल सकती है। Chitrangda, how did you like this performance? It was, I think, the funniest today. Yeah. It was so funny. I've constantly, I think, my cheeks, I have to give a little massage, you know. Fabulous energy, fabulous. Thank you, Chitrangda. Archana? Ye act purely on humor chala hai. And for that. Thank you, ma'am. Standing ovation from Archana. Sohail? I don't know how you do it, Kapil, and this whole team. Kya itna hasane ke baad, they keep you in the end. But आदमी हंस हंस के भी थक जाता है, लेकिन जब आप आते हो तो कोई नहीं थकता। स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम बोथ आवर जजेस एंड अ परफेक्ट एंड।